घनश्याम जी, स्वागत है आपका। मैडम नमस्कार। नमस्कार सर, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैडम मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। मैं एक रिटायर्ड एयरफोर्स से हूँ। जी जी सर। मैडम मैं अपनी मिसेज की दवा, ये घुटने दर्द और कमर दर्द के बीच 6 महीने से गोलियां ले रही है, ठीक है। लेकिन घुटने का दर्द नहीं जा रहा है। बीच बीच में तेज हो जा रहा है, बीच बीच में कम हो जा रहा है। कमर का दर्द तो ठीक हो गया। ठीक है, चलिए, ये तसल्ली हमें हुई कि कमर का दर्द तो ठीक हुआ। जी ठीक है। हकीम साहब। हाँ देखिए, आप मिलिट्री के आदमी हैं, फोर्स के, और बड़ी सेवा की है। और जब हम इस उम्र में पहुँचते हैं जहाँ हम रिटायर हो जाते हैं, तो यहाँ पर हमें भी, हमारी पत्नियों को भी, जो भी हमारी उम्र के होते हैं, उनको ये तकलीफ़ आती है कि कमर में या घुटने में दर्द या पिंडली में कहीं शरीर में दर्द हो जाता है। अच्छा, ये जो गोंसिया आप ले रहे हैं, ये विश्व की अच्छी दवा है। आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम खानी होती है, उसी तरह से आप खा भी रहे होंगे। खाने के बाद खाना बेहतर है इसका। अच्छा, किसी को जल्दी फायदा होता है, किसी को देर में। तो कमर का दर्द चला गया तो मैं बहुत खुश हो गया कि अब आपको यकीन ज़रूर आ जाएगा। और घुटने की बारी है, अब घुटने का दर्द अच्छा होना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। और आधा आधा ग्राम इसकी खुराक है। फिर आपके लिए दो तीन बातें ज़रूरी हैं। देखिए, ये महिलाएं जो हैं, ये इन पर बड़ी जिम्मेदारी होती है घर की, तो झाड़ू पोछा करने को मना कर दीजिए अपनी पत्नी से। और वेस्टर्न टॉयलेट ज़रूर इस्तेमाल करें अपनी ज़रूरत में। बस ये चीज़ें पर गौर करें, खूब भगवान से मदद मांगें, बहुत जल्दी उनके घुटने भी अच्छे होने वाले हैं। जी।